نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه وهم بأمره يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين ذی قدر صاحب ست احترام معزز محترم مکرم مخلص بزرگو میرے غیور مخلص موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم کلمہ اسلام پڑھن دے بعد سب تو پہلا فریضہ جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس فریضے تے جب تک ایمان اور عمل پیدا نہ ہوئے اس وقت تک کلمہ اسلام پڑھنے والا آدمی اپنے آپ نو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا ہاں اپنی مرضی نال بے شک وہ دعویٰ کردا رہے کہ میں کلمہ گو مسلمان ہاں مگر اے فریضہ صرف کلمہ اسلام پڑھنے والے تے شریعت نے مقرر فرمایا ہے جس نے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت رسالت تے ایمان نہیں رکھیا اس دا اس فریضے نال تعلق ہی نہیں جو دعویٰ کردہ ہے کہ میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق رکھن والا
तो उस दे सबूत वास्ते शरीयत ने वह फरीजा मुकर्रर फरवाया, क्योंकि दावा उस वक्त तक सच्चा साबित नहीं होता जब तक दलायल ना हो। कलमा इस्लाम के अंदर दावा भी है दलील भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है कि अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं है। ये अल्लाह ने दावा फरमाया कि मेरे नाल दा होर कोई इलाह नहीं है। दलील क्या है? नाल ही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी दलील ये है कि मुहम्मद जैसा मैं अल्लाह ने दूसरा बढ़ाया ही कोई नहीं है। अगर मुहम्मद पाक जैसा दुनिया ते जावे मिल तो फिर मुहम्मद दे इलाह दे नाल दा भी होर मिल सकदा है। जे मुहम्मद मुस्तफा जैसा दुनिया ते नहीं मिल सकदा तो फिर मनना पौ सी कि मुहम्मद मुस्तफा दे इलाह दे नाल दा भी होर इलाह कोई नहीं। तो इसे तरह एक आदमी दावा करता है कि मैं सोने मुहम्मद पाक का उम्मती हाँ, या दावा करता है कि मैं सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत करन वाला हाँ, मैं सोने महबूब मुहम्मद मासूम व मखदूम का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हाँ, तो उसके पास क्या दलील है? तो उसकी दलील और सबूत इसे वास्ते सोने मुहम्मद की शरीयत ने बयान फरमाया। ये तो तुसा आप ही आदे हो कि मियां ओदे को मत्थे उत्ते लिखे होया है काफिर है या मुसलमान है। असि भी ये गल कर बने हैं ना, ओदे को मत्थे ते लिखे होए। काफिर अपने कुफर नाल पहचानिया वैंदा, मुसलमान मुहम्मद की सीरत नाल पहचानिया वैंदा। मुसलमान सोने मुहम्मद की सोहनी सुन्नत नाल पहचानिया वैंदा। तो इसे वास्ते उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल ताल्लुक रखण दा दावा करने वाली तो सारी दुनिया ही है। अगर असा सारे ही मुहम्मद पाक दे उम्मती है तो फिर वखरियां जमातां क्यों बनाई? सोचने वाली गल है ना। देवबंदी भी सोना मुहम्मद पाक दा उम्मती, बरेलवी भी सोने मुहम्मद पाक दा उम्मती, नक्शबंदी भी सोहने नबी दा उमती, हयाती भी उमती ते ममाती भी उमती, सारे ही उमती है तो वखरियां दुकाना क्यों बनाई गई? जदों सब का रहबर ते रहनुमा मुहम्मद मुस्तफा है तो फिर वखरी जमात बढ़ावण दा फायदा। तो जिस दौर दे अंदर सोना मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हन तो उस वक्त दे उम्मती दे अंदर भी ये जमाता ते फिरके हन। बोलो तो सही करमा ले, मैं को तुहानू मजबूर करके तो नहीं ले आया, अपनी खुशी नाल ही तशरीफ ले आयो। अल्लाह पाक तुहाडा तशरीफ ले आवणा कबूल फरमाए। आमीन आग छड़ी करो, कदी कदी अल्लाह आमीन कबूल भी फरमा लेता है। मेरी मारूजात नू थोड़ा जिहा गौर नाल सुन लियो, बाकी दुआ एक कर साए कि अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।
हकीकत हमेशा कड़वी होती है, मगर खरे ते सच्चे बंदे वास्ते हकीकत कड़वी नहीं होती। जिस दे अंदर गिलाजत और निजासत होवे उसरो ओ हकीकत अच्छी नहीं लगती। जो भी कलमे इस्लाम नाल ताल्लुक रखण वाला आदमी है वो इस बात नु बबांगे दोहल तस्लीम करता है कि अगर दुनिया दुते हकीकत और सच मिल सकता है तो सिर्फ रब दे कुरान च मिल सकता है। एक वाहिद किताब कुरान कलाम उल्ला है जिसकी गारंटी रब ने ला रैब दे अल्फाज नाल पहले दिन तो दे दी है कि इस कुरान च रैब ते शक की गुंजाइश नहीं है। दुनिया की हर किताब के अंदर मुगालते का इमकान मौजूद है, उसनु सही आखना भी गुनाह है। सही बल्कि असा सब सही की सरदार किताब है तो सिर्फ रब का कुरान कलाम होता है। सही अगर लफ्ज ढुकद सही वाला तो सिर्फ कुरान से ढुकद है, बाकी दुनिया की किसी किताब नू बंदा अखां बंद करके नहीं आख सकता कि यह सही है। हाँ अगर दुनिया ते किसी शख्सियत नू अल्लाह ने यह हैसियत दिती है कि वह जदा बोले सोचना नहीं बगैर सोचे दे मनना है, ये मकाम रब ने दिता है तो सिर्फ जुबान मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दिता है। क्योंकि इस होठ मुबारक चो जद भी निकलना है सच ही निकलना है, इस जबान च कभी शक और शुभ की गुंजाइश नहीं आ सकती। मैं बात कर रहा सोचो तोलो समझो दिल तस्लीम करे तो मनो, अखां नूट के कलीमुल्ला की बात मत मनो। हाँ अगर अखां बंद करके बात मननी है तो सिर्फ जुबान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। तो खैर बाहर आ गया, कलमा इस्लाम पढ़ने वाला मुसलमान आदमी उदा सब तो पहला फरीजा क्या है जिसके जरिए जाहिर हो सी के वाकई इसका ताल्लुक सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल है। वो फरीजा है अदब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहरे मुहम्मद पाक दा अदब करना, सोहरे मुहम्मद पाक दी इज्जत करना, सोहरे मुहम्मद पाक नाल मोहब्बत पैदा करना, सोहरे मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत नू मनना, सोहरे मुहम्मद पाक दी रिफात नू मनना, सोहरे मुहम्मद पाक दी शान नू शौकत नू मनना, सोहरे मुहम्मद दी हुस्ने सूरत नू मनना, हुस्ने सीरत नू मनना, हुस्ने खसलत नू मनना, हुस्ने खसायलो आदात नू मनना, सोहरे मुहम्मद दे किरदार नू मनना। क्यों मनना? इस वास्ते के मुहम्मद दी हर हरकत च रहमत है, सोहरे मुहम्मद दे हर सकून च रहमत है, सोहरे मुहम्मद दी हर अदा च रहमत है, सोहरे मुहम्मद दे हर साए च रहमत है। अल्लाह ने ता फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अगर मैं रब दिया सारिया रहमता दा खजाना बनया है तो सिर्फ मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह बन गया है। मेरे मुहम्मद पाक दा अदब अगर ना करे देवबंदी है ता काफिर है, बरेलवी है बोलो हुण इत्थे ढिले पै जांदे आ। ओ शरीयत ही नहीं जिहड़ी शरीयत नतीजा ना जाहिर करे, ओ गल दी नहीं समझ आ रही। रिड़क रिड़ कहिंदे हो हुण तां
अजा माज के थणा दुध धोंदा तो धोधी बारू आया खलोता होंगे रिड़के रिड़के देर मकसद क्या होंदा है अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा साड़िया मावा भैन रिड़क 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 के बावा आकड़ वैदियन ओदे रिड़कन का मकसद क्या होंदा है नतीजा क्या हासिल करना होंदा है बोलो मक्खन ते जदा मक्खन कढ़न दा टाइम आवे ओ थापियां थप्पन टुर पवे बहर गोहा थप्पन टुर पवे तो वल घर दे अफराद ने के आखना है भी ये सियाणी है या मेंटल है तो दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ऐसा ही है शरीयत दा कोई मसला इन्हें विचाले दे अंदर घूमर घेरे च नहीं फसे होया सोड़े पैगंबर ने जो भी शरीयत दा पहलू बयान फरमाया उस दा नतीजा नितार के नखेड़ के उम्मत दे सामने जाहिर फरमाया ताकि उम्मत रोले च ना पई रवे के पता नहीं ये कम जायज है या ना जायज है ये कुफर है या इस्लाम है सोने मुहम्मद की शरीयत ने सोने मुहम्मद की सीरत ने सोने मुहम्मद की पाक जबान ने कुफर नु भी नखेड़ दिता है इस्लाम नु भी नखेड़ दिता है बयान ना हो लिन्नास सोने मुहम्मद ने कुरान पढ़ पढ़ के दुनिया नु ए समझाया है इस्लाम इस नु अखींदा है कुफर इस नु अखींदा है हर शहर रला मिला के रस्सी नहीं वट छोड़ी बल्कि फुले फुले बोलो माइया माइया कर देती हर शहर नखेड़ देती है तो शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यार तुसा किदें सारे गुस्ताख रसूल तने सोहने मुहम्मद पाक दा नाम आए यार उच्चा पढ़िया करो सल्लल्लाहो उच्चा पढ़ो चा रोटी छोटी खा के आए बैठे हो कि इथों खावनी ने तसल्ली रखो है इंशाल्लाह मिल जाए चलो ये इन्होंने तो अपने इन मेहमाना का इकराम का एहतमाम फरमाया है मेरा दिल मनता है तुसा चावल खावन नहीं आया तुसा अल्लाह का कुरान सुन रहा है अल्लाह तुहाड़े जज्बात कबूल फरमाए इस पिंड तुहाड़ी मेरी पहली मुलाकात है तो औखी पहली आती है इंशाअल्लाह अगर ये आसानी नाल गुजर गई तो फिर मुलाकात होती रही मगर मेरी अज की मारूजात को तकरीर नहीं समझना अज का इब्तदाई सबक समझो मैं सबक तुहानू देंदा पिया वल इंशाअल्लाह कदी मुलाकात हुई तो इस सबक की मजीद वजाहत कर दी सा मैं जो समझा रहा कलमा ए इस्लाम पढ़ने वाले मुसलमान ते सब तो पहला फरीजा क्या है जिस दे जरिए जाहिर हो सी कि इस दा वाकई सोड़े मुहम्मद दे इस्लाम नाल ताल्लुक है ओ है अदब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ क्या है अदब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे महबूब दा अदब करना सोने मुहम्मद पाक दी इज्जत करना सोने मुहम्मद पाक नाल मोहब्बत रखना ए सब तो पहला फरीजा किन्ना लोगों का है मुसलमाना किन्ना लोगों का है सारे बोलो हुण अबू जहल काफिर हाई उस नबी दा इज्जत ते अदब कीता है बोलो अबू लहब काफिर आई सोड़े मुहम्मद दा अदब कीतस नहीं इसे वास्ते मैं समझाया काफिर ते फरीजा नहीं है फरीजा उस ते है जेड़ा दावा मेरे मुहम्मद दी रिसालत दा करया दा है जेड़ा मनदा है कि मैं भाई मुहम्मद पाक दी रिसालत ते ईमान ले आया जेड़ा कलमा पढ़दा है जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हाँ तो फिर ओदे कोलो पुछना पौसी तू जो मुसलमान है तेरी निशानी क्या है तेरे कोलो सबूत क्या है तो उसनु सबूत वास्ते पेश करना पौसी अदब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये साबित न करे तबावे बरेलवी दियो बंदी सदाई रखे ओ सोने मोहम्मद दी उम्मत दा फर्द। बोलो यार तुसा नाराज होंदे पए हो, मेरा ख्याल है मैं कोई अपने प्यो दे अदब दा नहीं बैठा दा। मेरा बाप अल्लामा अहमद सईद खान रहमतुल्लाह अलैह वर्गा करोड़ा रल के आवेन मेरे मोहम्मद दीता जुत्ती नाल लगन वाली खाक दे बराबर भी कोई नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा अदब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण बाकी रह गई अगली बात के सोने नबी दा अदब तो करना है मगर उस नबी दे अदब दे करण दा तरीका कित्थों लभी है, क्योंकि आम जे शख्सियत है नहीं। आखिर इमाम उल अंबे या पैगंबर है, किसे मुल्ला कोलो तो तरीका सीखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सोना मोहम्मद पाक महबूब कहिंदा है। बोलो ते फिर मुहिब ही जानता है अपने महबूब दियां अदावां नूं। हर बंदे नूं उस दियां अदावां दा पता नहीं होंदा। अल्लाह फरमांदा जदा मोहम्मद मासूम महबूब मेरा है ते मैं तुहानूं दस्सां कि मेरे मोहम्मद दियां केड़ियां केड़ियां अदावां दा अदब एहतराम करके वी काम आ जाए। ठीक है, हुण तां इंज करो यार, तुस भावें जिस जमात नाल तल रखते हो मेरा उस नाल कोई गर्ज वाजियत नहीं। अज मैं कोशिश करनी है भी जिहड़ा तरीका रब दे कुरान ने सिखाया सोहरे मुहम्मद पाक दे अदब करने का, वह इंशाअल्लाह मेरा दिल मनदा तुस मुसलमान हो जरूर मन लई सो इंशाअल्लाह। ना आखो आखो माशाअल्लाह, आखो जा माशाअल्लाह। ओ चाचा चिटिया मुछा ले नहीं पे बोलेंदा आ जाए। चलो खैर बहरहाल, चलो खैर है, बाजे बाजे विच गूंगे भी होंदे ना, कोई मसला नहीं। चलो सुनदा तो बैठा है ना, सुनदा रहे, हो सकता है अल्लाह अंदर दियां अंधेरियां मिटा के ते अंदर नूर ईमान पैदा फरमा दे। हुण अल्लाह दा कुरान सोहणे मुहम्मद पाक दा अदब पिया सिखाईदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया ना आमनू, या अय्यो अल्लज़ीना काफ़रू रही है। एक गल समझो, जिथे अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान फरमाया ना उत्थे फरमाया या अय्युहन्नास, अन्नास दे विच काफिर भी आ गए थे। बोलो एदा माना ऐ लोगो, लोगों दे विच अपने भी आ गए थे, बिगाने भी आ। मगर सोहने मुहम्मद दा अदब इतना जरूरी है कि अल्लाह ने या अय्युहन्नास दा खिताब नहीं फरमाया, स्पेशल ईमानदारा नु खिताब फरमाया। मालूम होंदा जेड़ा बेअदब होंदा है ओदा सोहने मुहम्मद नाल ताल्लुक नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, ओ ईमानदारो मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदा भी बोलना है उस अपनी मर्जी नाल नहीं बोलना, उस जदो भी बोलना है तो कहिंदी मर्जी नाल बोलना है। बोलो यार क्योंकि सोहना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिंदी पसंद बन के आया, सोहने महबूब दा वजूद भी पसंद करन वाला कौन है, सोहने मोहम्मद रसूलुल्लाह दे वजूद बावजूद
खत्म नबूवत दशहरा छकावण वाला भी कौन है, आखरी रामत नबूवत दशहरा भी पवावण वाला कौन है। लिहाजा जद भी मेरे पैगंबर ने बोलना है, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलना, बल्कि कहिंदे आर्डर नाल बोलना। एक दूए नंबर ते जिथे मैं रब ने अपने हुक्म नाल अपने सोने महबूब नु खलारना है, फरमावना है, इत्थे खलो मेरा पैगंबर, इत्थे रुक जा मेरा पैगंबर। मैं अल्लाह गारंटी दे रहा कि मेरा पैगंबर जिथे मैं खलारना है उस तो एक कदम भी मेरा महबूब अगा पिछा हो सकता। क्यों? वो कहते आर्डर का पाबंद है अल्लाह का। अल्लाह शाला इन ठीक करे जा, क्योंकि तुस लख रुपये खर्च करो ना साढ़े घाए खाते दे दे, जेड़े चावल शावल देगा शगा पकिए पी सू के फायदा, तुस सू तले जमीन ते जबाओ, मगर ये ठीक हो क्योंकि साढ़ा काम ये इन्ना दरिया नाल ते तंबुआ नाल ते लाइटा नाल मेरा कोई ताल्लुक, अंधेरे च बहाओ मगर ए चलण वाला होवे तुहाडे सारे बग्गे नूं एक वारी पट छोड़े सा, मगर जे ए ना होवे तो तुहाडे लख रुपये खर्च कीते दा सानू फायदा कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कारी अब्दुर्रहमान सुनता बैठा है ना, हाँ ये देने च रख ले या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमानदारो जिथे मेरा सोना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल जाए तो मेरे पैगंबर दे बोलन दे बाद फिर किसे दे बोल दी जरूरत, बोलो मेरा मुहम्मद भी आखरी ते उदा बोल भी, बोलो ओदी नबूवत भी आखरी ते ओदी सीरत भी आखरी है, ये सारे हुस्न जमाल दी इंतहा बन के आया है, तो मेरा मुहम्मद मुस्तफा आया है, मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा वजूद बावजूद मैं रब ने अपनिया सारिया रामता दा मरकज बनाया है, लिहाजा जिथे मेरा मुहम्मद पाक बोले ला तो कदमो अगों बोलन की इजाजत भी नहीं आए। एक तो जदो मेरा पैगंबर बोल रहा हो अगो इंज भी नहीं आखना जो ठीक है या रसूल अल्लाह, बस बस सानू समझ आ गई है खबरदार मेरा पैगंबर पिया बोलेंदा होवे तवी चाल च बोलन दी भी इजाजत, बोलो ते जद मेरा पैगंबर बोल जाए वल दुनिया दिया बड़िया बड़िया शख्सियात भी क्यों ना आ जाए, ओ मेरे मोहम्मद दे बोल दे पिछे पिछे तरह सकते मेरे महबूब दे बोल दे बात होर किसे दे बोल दी जरूरत कोई नहीं आए, क्योंकि मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जदा भी बोलना है तो कहिंदियां मर्जियां नाल बोलना है। मनदे हो इस गल नूं? जेडे मनदे हुण इंज कर दे आओ, मनदे हो ना इस नूं? सोहना पैगंबर जदा भी बोलेंदा है तो कहिंदियां मर्जियां नाल, बोलो अल्लाह फरमांदा है मा यंतिकु अनिल हवा इन्हु हुवा इल्ला
मेरा मोहम्मद पाक जदा यन तक क्या फरमाए यन तक अल्लाह फरमांदा है मेरा मोहम्मद सोना यन तक जदा भी बोलदा है तो कहिंदे हुक्म नाल बोलदा है। मैं जड़ी गल समझावना चाहना ए लफ्ज यन तक ए अल्लाह ने जुबान मुस्तफा ते बोलिया है वल इयो लफ्ज अल्लाह फरमांदा है हाजा किताबो ना यन तक अलैकुम बिल हक अल्लाह फरमांदा है हाजा किताब ना यंतक ऐसी किताब कुरान कलाम अल्लाह कुरान ते भी लफ्ज यंतक सोने मुहम्मद की जबान ते भी यंतक मतलब क्या है कुरान कलाम रहमान है मगर बयान मुहम्मद खैरुल अनाम है। अल्लाह फरमांदा है कुरान ला रहे बे ते मेरा जवान बे आए बे ए भी मैं रब दे कुरान दिया गवाइयां पिया देंदा है इतू कुरान भी जद भी बुलेंदा है तो मुहम्मद दिया सफाइयां पिया बयान करेंदा है मतलब ए है कि मुहम्मद कुरान नाल ते कुरान मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल लिहाजा अल्लाह फरमांदा है दुनिया के अंदर प्यो पुत्र दे दर मियाल फोड़ तो पैदा हो सकती है मगर मुहम्मद कुरान दे दरमियान कदी फोट पैदा नहीं हो सकती। मेरा सोना पैगंबर कदी भी कुरान पाक नालो अलग हो के रह सकता नहीं है। ये जद भी बोले सी तो कहीं दी मर्जी ना बोलो ये पहला अदब है सारी कायनात एक पासे होए बल्कि अल्लाह दे महबूब ने फरमाया कि मैं बैठा हुआ इत्थे तो सारे मेरे सहाबा मेरे मत्थे ते नजर जमा के बैठे हो ते अचानक तुहाडे अगो गुजर पवे मूसा कलीमुल्ला अल्लाह दा पैगंबर गुजर पवे ते तुसा मेरे मत्थे तू नजर हटा के ते मूसा कलीमुल्ला ते चपावो लजलल तुम अनिल हुदा जे मैथु नजर हटा लिया अल्लाह तुहानू राह हिदायत तो भी हटा मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मौजूदगी दे अंदर बिल फर्ज अगर कोई पैगंबर भी आ जावे तो उस वल वेखण दी इजाजत बोलो नहीं। मेरे जाए मुल्ला वल वेखण दी इजाजत है हुण नहीं बोलदे क्योंकि पता लगदा रे पया रे भई ये सारा फेरा साढ़े दे रहा दा पया मकाम होवे मेरे मुहम्मद पाक दा बोल होवे मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा ते तू आखे जो मैं नहीं हमने जो बुजुर्गों से सुना है हमारी जमात का ये दस्तूर नहीं है तो मतलब ये है तेरे बुजुर्ग वड्डे हो गए तो सोने मुहम्मद का मकाम थल्ले हो गया। अल्लाह फरमाता है इज अखज अल्लाह मीसाक नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्न। मैं रब ने नबीया कोल भी वादा लिया कि अगर तुहाडे दौरे नबुव्वत दे अंदर मेरा ओ खास जुल्फा वाला पैगंबर आ जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए उस वक्त तुसा अपना ऐलान नबुव्वत छड़ के मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ के मेरे मुहम्मद दा उम्मती बन जावना। मेरे मुहम्मद दी मौजूदगी दे अंदर तो कोई नबी भी अपनी नबुव्वत दा ऐलान बोलो इत्थों तक तो तुसा गल मन लैंदे जदा गल्लां दी ना मौलवियां ते पीरां दी
उसले तुहाड़ियां पसलियां आपस च खड़कन लग पई। ए जनाब ए गल नहीं करनी। कई तो एडे सियाने होंगे वह आते वो जी अगे थोड़े इख्तलाफात तुसा वत होर मसले नवे घट छोड़े दे। भाई असा को मशीन या फैक्ट्री लाई हुई है मसले कढ़ने वाली। मसला वो होंदा जिसका ताल्लुक शरीयत मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल होवे। जड़ा दीन तू हट के करे ते आखे मसला मसला नहीं वो कसला होंदा। मसला हमेशा वो ही हो सी जिसका ताल्लुक सोने मुहम्मद दी सोनी शरीयत नाल हो। अच्छा हुण दाढ़ी मुनावण वाला मसला है कि कोई ना। हुण जिहड़े मेरे भरा रगड़ाई बैठे बोलो तो सही ना। ये रगड़ावना ये मसला है नहीं कि इन घसला बढ़ाई वे ये भी मसला है। और सिर्फ ये मसला सूरत मुहम्मद रसूलुल्लाह दा नहीं है। देखो दुनिया के अंदर अजकल तो तलाक आम आदियां पईआं और जिस वक्त तलाक दे लवे ना सारे फिरकियां कोल फिर सी मता कह पासों काई ना काई गोठ निकल आवे तो फिर वो चार पाँच सत मुफ्ती रल के उत्ते लावे ना मोहर वो तलाक तलाक रांदी। बोलो ना यार रांदी है क्यों भाई वेखो जी मुफ्तियों फतवा दिता है मोहर लगी हुई दस्तखत हो सैन हो कितने ये जी पांच मौलवियां ने पांच मुफ्तियां ने ठप्पा लाए। पांच मुफ्ती जिस चीज ते ठप्पा चलावेन वो भावे हलाल नू हराम च करेन ते हराम नू हलाल च करेन तू मन लेना है। ए वाल ओ हिन जिन्हां दे उत्ते अमली ठप्पा सवा लख पैगंबर ने लगाया है। ए ओ चेहरा है जिसकी अमली तस्दीक 1,24,000 पैगंबर ने की है। ये सिर्फ सोने मुहम्मद का चेहरा नहीं हर पैगंबर बारिश आया है। ते जदा तू दाड़ी मुनैना सोने मुहम्मद की बेअदबी नहीं करेंदा ये 1,25,000 पैगंबर की बेअदबी कर रहे हो। बहरल दुआ ये करें जो अल्लाह शाला पुछे नहीं दिन कियामत दे जे वो सवाल कर छोड़िया तो साढ़े को जवाब कोई नहीं। अल्लाह दा महबूब जिथे बोल जाए अगू बोलन की इजाजत बोलो सोना मुहम्मद पाक पिया बोल दोवे इदू 360 मौलवी खलोता है कितने 360 उन अंगूठे लाए दस्तखत किए पूरा एक मुसवदा तैयार किया है। उन्हें आख्या बे साडे नज़दीक ये मसला इंज है इदू अकेला सोना मुहम्मद पाक पिया फरमाइंदा है कि जेड़ा तुसा दियो ना इंज है ये गलत है असल उंज है जिवें मुहम्मद रसूल लभ्यादा है। हुण तुसा सोने मुहम्मद पाक दी मनसो या 360 मौलवियां दी मनसो सारे बोलो यार। ते जे उस पासे मुँह करे साहे तो वल अदब मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। फिर ये सिर्फ खाली दावा कीता है मगर एदे कोल मुसलमान होवन दा सबूत कोई नहीं है। और ये सोने मुहम्मद दा उम्मती होवन दा इसदे पास सबूत कोई नहीं है। सबूत उत्थे मिलसी जदा इसदा अदब मुस्तफा दे कीते दा गवाह खुद रब दा कुरान बन जावे क्योंकि सोने मुहम्मद पाक दे अदब दा सबक केड़ी किताब दिता है। सारे बोलो मैं हूँ थोड़ा जिहा मैं हूँ अल्लाह की तौफीक नाल कुरान पढ़ना है ते फिर तुहाडे कोल पुछना है भाई हूँ इस नूं मनेंदे हो या नहीं। पता लगदा वही सी जो अदब मुस्तफा करने वाले किड़े हैं ते गुस्ताख पैगंबर है। ये ज़हन च रखो कि सोना मुहम्मद पाक ये कुरान पाक ये रब दी कलाम है मगर इन्ना अलैना बयाना ये कुरान बयान मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हुण तो इंज करो ये कुरान सोने पैगंबर का बयान है कि नहीं। ओ यार ठीक है उस पासे रहण दे
सोने मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा ए बयान है के नहीं है? उस वक्त तक कुरान कुरान बने ही नहीं जब तक सोने मुहम्मद की जबान ने पढ़ के सुनाया नहीं है। हुण शुरू करिए अल्लाह दा कुरान। कुछ ना कुछ ढिले ढिले बैठे हो, खैर तो है यार। इस बात की समझ आ गई है ना कि मुसलमान उत्ते सब तो पहला फरीजा क्या है? अदब मुहम्मद रसूल। ठीक है, और सोने मुहम्मद पाक दे अदब दा तरीका सानू कित्थों मिलना है? बोलो अल्लाह दे कुरान च। क्यों? कि मुहम्मद महबूब कहिंदा है तो मुहिब नू ही पता है कि मेरे मुहम्मद करीम नू मैं अल्लाह ने कितने कमालात नाल नवाजिया, कितनी इज्जत ते अजमत नाल नवाजिया। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान के अंदर एक कानून बयान फरमाया है कि सब तो पहला अदब ये है कि जिथे मेरा मुहम्मद बोल जाए फिर उसके बोल दे बाद किसे दे बोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैयदुल कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुण बाप होवे घर दा वडेरा जिथे वह फैसला कर देवे ते बच्चे अगू खड़नले हो जाए, नहीं पापा मैं हम तो नहीं मानते, तो फिर मतलब यह भी उन्होंने दिलों के अंदर वालिदैन की इज्जत ते कदर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि वरसूलिही, मेरा रसूल जदा बोल जाए वल अगू बोलन की इजाजत नहीं है। हुण अल्लाह दा पाक पैगंबर पिया बोलदा है हो अल हय्यु ला इलाहा इल्लाहु, हमेशा जिंदा रहण वाला कौन है? मौत कोलो पाक कौन है? हमेशा जिंदा रहण वाली जात केड़ी? नींद ते ऊंघ कोलो पाक रहण वाला कौन है? एक कमालात कहिंदे अंदर अल्लाह दा पाक पैगंबर फरमा रहा है कि हमेशा जिंदा रहण वाला एक अल्लाह दी जात है, बाकी जितने भी हैं कुल्लो मन अलैहा फाल, जर्रा जर्रा कायनात ने फना होवण है, मौत दिल पेट च आवण है, जर्रा जर्रा कायनात ने खत्म होवण है, ते हमेशा जिंदा रहण वाला कौन है? जिंदे उत्ते मौत नहीं आ सकती, बाकी जितने भी दुनिया ते अल्लाह ने बनाए कुल्लो नफ्से एकतुल मौत, बाकी हर दे सिर ते मौत आनी है। एक कमाल में मुहम्मद दे रब दा है कि उते सिर ते मौत आ नहीं सकती, ते साडे सिर तो मौत जा, बोलो साडे सिर तो मौत जा नहीं सकती, ते उदे सिर ते मौत आ सकती नहीं आए। लिहाजा अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इसे वास्ते फरमाया है कुल कुल बोलो सैयदुर रसूल, कुल बोलो सैयदुल अंबिया, कुल बोलो खत्मुर रसूल। इत्थे माना अल्लामा अहमद सईद फरमाते हैं कुल बोलो मेरी नबुवत लगे होए बाग दा अनमोल फुल, कुल बोलो मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह दा पाक पैगंबर पिया बुलेंदा है इन्ना सलाती
वा नुसुकी वा महयाया वा ममाती लिल्लाह। अल्लाह दा पाक पैगंबर भी फरमा रहे हैं मेरी जिंदगी ते मौत मालिक कौन। मतलब ये है अल्लाह दा पैगंबर भी दसेंदा पिया है मैं ओ तोड़ी दुनिया ते जिंदा रहना है जे तोड़ी पसंद कै करना है। ते जद उसने मेरे उत्ते मौत मुकद्दस दा फैसला फरमावना है अल्लाह दे आए होए फैसले नु टाल सकदा कोई नहीं आए। मतलब ये आए कि हमेशा जिंदा रहन वाला कौन है चूंकि वो हमेशा जिंदा रहन वाला है इसे वास्ते अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर मैं रब दा तआरुफ दुनिया नू करा दे मैं हमेशा जिंदा रहन वाला क्यों क्योंकि मैनू पता है कि जर्रा जर्रा कायनात नू जरूरत पवनी है ते जर्रा जर्रा कायनात दिया जरूरत पूरियां करन वाला कौन। बोलो जरूरत पूरियां करन वास्ते पहले ओदा खबरदार होना जरूरी ओनू फिर हर दी जरूरत दी खबर भी होनी जरूरी है कि नहीं है। भाई मैनू कहीं जरूरत होवे तो वह कहीं होर पासे मसरूफ रहे तो मैं तो इं मर गई होना। मतलब ये है कि जर्रा जर्रा कायनात दी जरूरत दी खबर भी रखन वाला हो इसे वास्ते ओनू आख्या वेंदा अलीमुल खबीर। जर्रा जर्रा कायनात दी हकीकत भी जानदा ते उनां दी हर जरूरत दी भी खबर रखन वाला कौन है। अल्लाह ने ताई फरमाया उजी अल्लाह फरमांदा है मैं हमेशा जो जिंदा रहन वाला ताई मैं अल्लाह ने ऐलान फरमाया के जेड़ा भी मेरे कोल आवे जिथे भी होवे जेड़े हालत भी होवे जेड़े पर्दियां दे अंदर होवे उन्ना पर्दियां चो सड़न वाले दी कबूल करन वाला कौन है। जर्रा जर्रा कायनात दे साडनो सुनन वाला भी कौन है ते वल सुन के कबूल भी करन वाला कौन। ए अल्लाह दे पैगंबर दा बोले मगर सोना मुहम्मद अपनी मर्जी नाल नहीं पिया बोलेंदा बल्कि कुल दा खिताब फरमा के दस है कि मेरा पैगंबर जद भी बोलेंदा है तो कहीं पसंद नाल पिया बोलेंदा है। गल दी समझ आई है हुण सोने पैगंबर ने तो बोल बोल छोड़े कि हमेशा जिंदा रहना लगाउणे मैं भी अपनी जिंदगी ते मौत दा मालिक मैं मुहम्मद पाक दियां भी जरूरतां दी खबर रखण वाला कौन है। हर वक्त हर जाते हर परदे चुक सुन के कबूल करण वाला कौन है। बोलो हुण अदब मुस्तफा दा तकाजा तो यह है कि मुसलमान खलो रहे जी हुण इंज ही करो ना सोने मुहम्मद पाक दे अदब दा तकाजा यही है कि जिथे सोने मुहम्मद दा सोना बोल आ गया है बस खलो जाए इंजे होना चाहिए। मगर असा इस बोल नू मने बोलो ना हो तो फिर सोने पैगंबर दा अदब नहीं आए। एक बंदा है मैनू आख उस्ताद जी तेरे पिछे तो मैं जान कुर्बान कर दिया बादशाह असा तो प्यो दे भी बड़े मोतकेद हैं तो असा तो बादशाह तुआड़िया जुतियां चावन आ लिया तो यूं है तो या मैं उतना ही बैठे उन्होंने आख यार इतने थोड़े जो गिलास पानी तो भर के दे चा मैनू आख तेरिया बनिया हुई तू आप नहीं पा सकता हूँ दसो जो पहले नारे बैठा मरेंदा अज मैं अपनी जान कुर्बान कर दिया
वो अपने दावे सच्चा है हूँ टोपियां हलाओ ते इंजन करो वो अपने दावे सच्चा नहीं है। सच्चा ता है कि जिथे उसनु खलारे हा मर जाए हा मगर उथो है कि इंच भी अगा पिछा ना हो। और इहा शान सोने मुहम्मद दी रब दा कुरान बयान करदा है। अल्लाह फरमादा ला यस्बिकूनहु बिलकौल जिथे मैं रब ने मुहम्मद नु खड़ा कीता है ला यस्बिक मेरा मुहम्मद अगा वधया नहीं है उथे खलो गया है। वहुम बे अमरे ही जिवे जिवे मेरा अमर ते हुकुम आंदा गया है या मलून मेरा मुहम्मद ओदे ते अमल करेंदा गया हूँ उत्ते ना चढ़ा दी वे और समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अल्लाह फरमाता बे अमर ही अमर हुकुम आर्डर आर्डर दी तो समझ आती भाई ना। अल्लाह दा बे अमरे ही सोने मुहम्मद पाक ते आर्डर करने वाला कौन है अल्लाह है ते अल्लाह फरमाता मैं जेड़ा ही आर्डर कीता है या मलून मेरे सोने मुहम्मद ने ओदे उते अमल करके दिखाया है पूरा करके दिखाया है दिखाया है कि मुहम्मद वफादार है तो उस शैन शाह दे आर्डर दा है जे ओदियां मर्जियां पै जावें तो मेरे दंद शहीद करा देवे ओदियां मर्जियां बढ़ जावें मैनू वदरूबे वतन करा देवे ओदियां मर्जियां बढ़ जावें मेरे कतल दे मनसूबे बना देवे ओदियां मर्जियां बढ़ जावें जन्नत जो बराक भेज देवे ते जे ओदियां मर्जियां बढ़ जावें तो मक्के जो मदीना पैदल चलवा देवे क्यों जर्रा जर्रा कायनात ते आर्डर चलावण वाला कौन है एक अल्लाह दी जात है। जिवें अल्लाह ने आख्या किसे मकतबे फिक्र दे मुल्ला कोलो पुछो कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया होवे ते अगू सोने मुहम्मद ने रब नू मशवरा दिता होवे अल्लाह साई ये अजा तो मौका नहीं है अजा यो जे हालात बने नहीं जेड़ा तू पे हुक्म फरमाई ना इत्थे तो जान नू खतरा है अल्लाह थोड़ी देर अरे ठहर जा ये मशवरा किने दिता पैगंबर ने नहीं अल्लाह दा ला यस्बिक जिथे भी हुक्म आया मेरा मुहम्मद डट गया ओद उत्ते अमली तौर ते फरमा बरदारी करके दिखाई है मेरे मुहम्मद पाक ने ये काम साढ़े विच है बोलो तो सही नहीं फिर सानू सोने मुहम्मद पाक दा अदब है साढ़े विच हकीकत रब दे कुरान ने यही बयान की ने अगा तुहाड़ी मर्जी जेड़े फिरकियां च वड़े रहो फिरके मिल सकदे न दीन नहीं मिल सकदा दीन मिल सी तो अदब मुहम्मद उर रसूल अल्लाह विच मिल सी ते सोने मुहम्मद पाक दे अदब दा खजाना बनया तो रब दी ला रैब किताब कुरान कलाम अल्लाह बनया मगर देख लो अज लोगों ने कुरान दे नाम दे तवीज बना लाए कुरान दे नाम दियां कुलखानियां ते खत्म करा लै कुरान दे नाम ते कबरां दुत्ते सिपारे पढ़ा लै मगर कुरान नू खोल के समझण दी कोशिश नहीं कीती कि इहो कुरान तो है कि जिस दा एक एक नुक्ता जेड़ा है मुहम्मद दी सदाकत दा गवाह बन के आया है मगर बस चुम्मन चट्टर तक लगे खले हैं नारे लगदे पए हैं सबीलां चलदियां पईयां हैं हलवे पकदे पए हैं मुल्ला खा खा के जहन्नम दे सड्ढे बणदे पए हैं भोली कौम नचदी पई है नारे लगदे पए हैं मगर सोने मुहम्मद मुस्तफा दे अदब दी सिंजान करन दी कोशिश नहीं कीती नाराज तो नहीं हो रहा है अल्लाह दा वास्ता इन्दे फिरकियां ने कोई नहीं बचावना मेरे प्यो ने भी दिन कियामत दे मेरे मोढ़े नाल कोई नहीं खलोना यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि बाप ने भी मेरा पहचान करन तो भी रह जाना है ओदा कहना मैनू तो पता ही कोई नहीं कौन है बाप तो बाप रहा अल्लाह दा हर पैगंबर रो के खलो के आधा खलो तो सी रब्बे सल्लम नफसी रब्बे सल्लम नफसी अल्लाह मैनू महफूज फरमा
अल्लाह मैनू महफूज फरमा, जिथे पैगंबर खलाए दुआ करेंदा होवे उथे तेरे मेरे मुल्ला ते पीर दी क्या हैसियत हो रही है, हे कई हैसियत। हुण ना इंज कर दियो ना इंज कर दियो करमाले, खुदा दा ना ही ने, अल्लाह दा वास्ता ही ने, अल्लाह ने ए इंसान नू जिंदगी बड़ी कदरो कीमत वाली दिती है, इसकी कदर करो, इनू ढिंगरां ते ना रोलो, डंगर वाली जिंदगी ना गुजारो। जे तुसा आखो बस ठीक है कलमा पढ़ लिया तो दब्बी चाहिए और हलाल हराम दा फर्क करन दी क्या जरूरत है, तो फिर गली दे चार लत्तां आले तो फिर बग्गे दे पिंड दे चौधरी दा के केड़ा फायदा है, केड़ा फर्क रह गया। फर्क शरीयत ने यो रखा है कि इंसान वह होंदा है जो जिंदगी उंज गुजरेंदा है जिवें गुजारण नूं मैं रब पसंद फरमा लवा, तो वह जिंदगी गुजारण का तरीका आके दसिया तसीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दसिया। असा फिरके तकसीम हो गए हैं मगर सोने मुहम्मद पाक का अदब का भी करण का अज तक पता नहीं चलिया। बस मियां जी राजी, अल्लाह ही राजी, मियां जी नूं जुमरात वाली राती दुध दा गिलास दियो, अठा दिन दे गुनाह बोलो, ये होर कुछ नहीं, सारी जिंदगी शराब पींदा रहा, सारी जिंदगी जिना करदा रहा, सारी जिंदगी हराम खांदा रहा, मर गया पुत्रां ने पिछू जनाब 15-20 देगा पकवा के ते प्यो नूं धिक्का दिता, सीधा जन्नत च गया। इयो ने करे दे करदे हैं इत्थे नहीं मनदे करमाले, बाबे नूं बख्शावण वास्ते देगा पकाजदे ने है बे, ताके बाबे होरी मतलब ये तैनू भी पता है देगा जे तुली नवें तो बाबे होरी अधे राह टंगे ही खलोते है, ये देगा ही धिक्का मार के उन्हें जन्नत च लै वेंदे। खुदा दे बंदे जे इंज देगा पिछू घलन नाल जन्नत मिलदी तो बिलाल इन्हें अंगारिया उत्ते लेटदा रह गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर एक बंदा आया, सफा बनिया खलोतिया हन, उस बंदे दे सिर्फ तहमत चादर बद्धी हुई, पिछू ओदी कंड हाई नंगी, इतना सारा इंज जिवें मोरा जी बने होंदे ना जिवें कई शायद सड़ के ते एक डूघी जी बन वैंदी है, पिछू कमरे च निशान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ओदे कोल पुछया, भई यार ये की है निशान है तेरी कंड ते? उस आख्या जालमा मैनू अंगारिया ते लिटाया है ते उत्ते दो दो बंदे चढ़ खलोंदे हन ते आधे हन के मुहम्मद दा कलमा पढ़ना छोड़ ले, मैं अपनी कमर तो मेरी चर्बी पघर पघर के अंगारे ठंडे हो गए मगर मैं मुहम्मद दा कलमा नहीं छोड़िया। जदों उस एक गल की थी ये सब तो पहले उठी के सोने मुहम्मद ने ओदे मत्थे तो बोसा लिया है, हाय 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 यार मैं उस दी शान तो ही कुर्बान जावा जिस दे मत्थे तो रहमतुल आलमीन पे बोसा लेता है। जदा सोने मुहम्मद ने बोसा लिया दूसरे सहाबा ने भी बोसा लिया, मतलब ये है कि असल इज्जत सच्चे दुनिया रहते भावे न रहे मगर मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल ताल्लुक मुसलमान दा कभी भी त्रुटण च ना आवे। इत्थे आदन दीन रहे ते भावे न रहे सांगा साडा जुड़िया रहे ताल्लुका साडे कायम रहे। इंज मियां कलमे पढ़न नाल जन्नत मिल जाती तो फिर साहबा किराम दियां कुर्बानियां तो फिर सारिया जायते बर्बाद हो गई, उन्हां जो अपने घर बार बर्बाद कर दिते मगर सोने मुहम्मद पाक दा लाड़ा नहीं छोड़े। हुण थोड़ा जिहा होर पढ़िए जग रब दा कुरान हुण ना अक्सर क्योंकि सारा जो खिलाफ पिया होता है। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ू
ਖੁਤਬਾ ਜੋ ਦੇ ਚੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਫਖਜ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾ ਯਸਮਾਉ ਦੁਆ ਕੋ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਦਫਨੀ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸਬਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾ ਯਸਮਾਉ ਦੁਆ ਦੁਆ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਦੂਰੋਂ ਪਿਆ ਸੱਡ ਮਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸੱਡ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾ ਅਸਬਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿਆਨਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਵੱਲੋ ਯਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਯੂਨਸ ਦੇ ਸੱਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੱਡ ਮਰਿੰਦਾ ਵੈ ਫਨਾਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਕਈ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯੂਨਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਉਂ ਜੇ ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌੜੇ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਅਰਤਾ ਸੁਬਹਾਨਕ ਉਹ ਭਾਈਓ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਿਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਬਹਾਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਲੋ ਜਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਆਸਮਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 3500 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 3500 ਸਾਲ ਅਤੇ ਯਾਰ 3500 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਯਾ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵਧਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੁਨਣਾ ਪਊ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ 3500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਦਾਂ ਇਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲੋ ਯਾਰ 15ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬੇਅਬਦੀਹੀ ਠੀਕ ਹੈ
बशर हो के अरशां ते कोई नहीं जा सकदा, मगर जिस नू ओले जावना चाहे ता अगो अड़ा कोई नहीं सकदा। तेरा अकल मन्ने ते भावे ना मन्ने, मगर जे बशर नू सिदरतुल मुंतहा तक ओ पहुंचावण दा फैसला फरमा लाए ता फिर अगो डक्का दे सकदा कोई नहीं। इसे वास्ते इत्थे फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, अकल तो नहीं मंदा, मगर अल्लाह फरमांदा है ओनू पता है कि इन्ना पर्दियां चो सुनण ते जानण वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा है उस इहो सड मारे है, इहो अकीदा दसे है कि पर्दियां चो सुनण ते जानण वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा अगर ए नारा न मरेंदा ला लाबे सफी पुत नहीं इला यौम युबासून, मरदा मर जावे हा मगर असा ओनू मछली दे पेट जो बाहर आवण कोई नहीं। ओ गल दी समझ आई ने, तो सोने मुहम्मद पाक ने दसया है कि परदे च सुनना ते जानना ते कबूल करना एक कमाल कहिंदा है एक अल्लाह दा है। तो सोने मुहम्मद पाक दे बोलना दा खजाना केड़ी किताब है, बोलो यार, अल्लाह दा कुरान है। सोना मुहम्मद पाक जदा भी बुलेंदा है कुरान च बुलेंदा है ते अल्लाह ये फरमांदा है किथे मेरे मुहम्मद दा बोल आ जाए, बस अग्गा सोचण दी इजाजत है। बोलो ये सोने मुहम्मद पाक दा अदब है कि नहीं है जी। हुण मैं मसलन तुहाडे सामने अल्लाह दा कुरान सुनाया, एक बंदा उठी वे उस ओ आखे जी हजरत जी तुस उस्ताद दे पयो वे जिहड़ा मर जावे कहीं दी नहीं सुनदा। आ बजुर्गों ने लिखा है कि जुतियां दी खिसकाहट भी, बोल जुतियां दी खिसकाहट सुनदा है। हुण दसो भी हुण एदी मना है या सोने मुहम्मद दी मना है, बोलो ना यार। जिन्हां दा हां ठरे ने उच्चा चपड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे महबूब जैसी सोहनी ते बेऐब ते बेमिसाल हस्ती क़यामत तक आ सकदी नहीं है। तो फिर असा यही अक्सा है कि मियाँ रावी दे अंदर मुगालता हो सकता है, जुबान मुस्तफा दा पहरेदार कौन है, अल्लाह है। अल्लाह दे पैगंबर दी जबान च मुगालता नहीं आ सकदा। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए, जिंदगी रही तब वल मिलसूं, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।